लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज निजी कार्यक्रम में शिरकत करने अल प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। ओम बिरला ने उदयपुर में मीडिया कर्मियों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान ओम बिरला ने कोविड का दौर कम होने की बात कही, लेकिन जनता से सतर्कता बरतने की अपील भी की। ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत कर प्रतिनिधियों को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। ओम बिरला ने कहा कि बजट सत्र को संवाद और चर्चा के माध्यम से अच्छा सत्र चलाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर बिरला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी में दिए गए योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर किसान आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी। ओम बिरला ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों में चर्चा चल रही है, ऐसे में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद रखनी चाहिए। आने का प्रयोजन और कोई खास बात है? उदयपुर तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। उदयपुर वह धरती है जहाँ पर हम सबको गर्व होता है। महाराणा प्रताप की धरती पर जब भी आते हैं, जब नई शोर नई ऊर्जा का संचार होता है, और इस समय कोरोना संकट के समय उदयपुर, राजस्थान और देश भर के लोगों ने जिस तरीके से चुनौतियों का मुकाबला किया, आज कोरोना का संकट काफ़ी कम हुआ है लेकिन अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इन सारी संक्रमण और चुनौतियों के बाद भी हमने देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर, एक मजबूत देश बने दिशा की ओर काम किया है। 29 जनवरी से लोकसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो 15 फरवरी तक चलेगा। द्वितीय चरण बजट का, जिसमें हमारी संसदीय समिति और कमेटियों से बजट की जब चर्चा होती है, उसके बाद अलग अलग विभागों पर चर्चा होती है, वो बजट का दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। हमारी कोशिश है कि हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करें, मजबूत करें, जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएं, क्योंकि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनसे जनताओं की अपेक्षाएं उम्मीदें बढ़ी है। जनता के अपेक्षाओं उम्मीदों को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं एक मंदिर के समान है, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहते हैं, उन लोगों की समस्याएं कठिनाइयां को सदन के माध्यम से सरकार को पहुंचाने का काम करते हैं। कोशिश होती है कि हम हर विषय पर चर्चा हो, संवाद हो, बातचीत हो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में संवाद, चर्चा, बातचीत से ही समाधान निकले। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे सशक्त और मजबूत भी है। उसके साथ साथ हमारा संविधान भी हमेशा में मार्गदर्शक भूमिका के रूप में सही दिशा की ओर और मजबूत लोकतंत्र की ओर ले जाने का काम करता है। देश भर के अंदर हमने कोशिश की है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी जनता से चुनी हुई संस्थाएं हैं, उनको सशक्त बनाने की और जवाबदेही बनाने का एक अभियान चलाया है। क्योंकि हमारा वैदिक काल से हमारे लोकतंत्र हमारे प्रक्रिया में है, हमारी दिनचर्या में है। अब आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र नए स्वरूप में आया, जनता से चुनकर लोग आए, इसलिए इन सब संस्थाओं के अंदर जनता की उम्मीदों, अपेक्षाओं को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इस विषय पर हमने व्यापक चर्चा विमर्श किया है। पिछली बार हमारी पीठासीन अधिकारियों की बैठक केवड़िया गुजरात में हुई थी, उसमें भी हमने व्यापक चर्चा की थी और किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय हो, क्योंकि लोकतंत्र में तीनों स्तंभ का अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और तीनों अपनी अपनी संस्थाओं को अगर मजबूत करेंगे तो देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। मुझे लगता है कि भारत
और लोकतंत्र मजबूत होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। सर, जैसे कि पूरा विश्व कोविड की महामारी को जो गुजरा है, वहीं ये बजट जो है वो जनता के हित में और जनता के साथ में किस तरह से कंधा मिला के चलेगा, क्या खुशियाँ लाएगा? हर सरकार ये कोशिश करती कि बजट जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप हो, और मुझे लगता है कि इस सरकार का भी ऐसा प्रयास होगा, क्योंकि बजट पेश करना सरकार का काम है, हमारा उस बजट पर चर्चा संवाद करने का काम है। तो निश्चित मुझे लगता है कि यही अपेक्षा की जाती है कि जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट हो। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जिसको पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, इस पर क्या रिएक्शन? आज एक तरफ हमारी पराक्रम धरती मेवाड़ है और दूसरी तरफ हम देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी का इस आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन की नई दिशा दी थी और देश के नौजवानों को आंदोलित करने का काम किया था, और उस परिस्थिति के अंदर देश और विदेश दोनों को एक साथ जोड़कर हम किस तरीके से देश की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। आज़ादी के प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नेताजी ने जिस तरीके का आंदोलन खड़ा किया, देश के नौजवानों का आह्वान किया, केवल देश में नहीं विश्व भर के हर कोने के अंदर आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने जो जागृत किया, आज हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। और सरकार का ये प्रयास है कि जिन जिन महान नेताओं का आज़ादी में योगदान रहा है उनको हमारी आने वाली पीढ़ी याद करती रहे, उनके किए गए कार्य, उनके विचारों को, उनके योगदान को आने वाली पीढ़ी भी याद करती रहे, ताकि हर देश के अंदर हर नागरिक और नौजवान अपने कर्तव्य के प्रति किस तरीके से देश में मेरा कर्तव्य होना चाहिए ये भावना जागे, इसके पीछे मकसद रहता है। मतलब देश में कभी बड़ी समस्या किसान आंदोलन की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता सुझाया, केंद्र सरकार ने बिल पोस्टपोन करने का सुझाव दिया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का रवैया है, किस नज़रिए से देखते हैं उसका, आपको क्या लगता है हल कैसे निकलेगा? सरकार और किसान संगठन विषय पर वार्ता कर रहे हैं, दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से समस्या का समाधान हो। मैं सोचता हूं कि जल्दी सरकार तो परिणाम आने चाहिए। 60 दिन हो गए लेकिन किसान आंदोलन को लेकर एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। हाँ, और कितना समय बातचीत चल रही है, क्योंकि ये विषय सरकार और किसानों का है। मुझे लगता है कि हम इसको सकारात्मक देखें कि सकारात्मक तरीके से वार्ताओं का दौर चल रहा है और जल्दी परिणाम आए, ऐसी अपेक्षाएं की जाती है। सर, बजट सत्र आने वाला है और लोकसभा में भी उम्मीद है कि किसान आंदोलन को लेकर कोई हंगामा हो सकता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अब जो विषय लोकसभा के अंदर आते हैं, सभी दल के विचारधारा के लोग आते हैं, सबको अपनी बात कहने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, इसकी कोशिश करेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन के विषय के अंदर भी, क्योंकि किसान आंदोलन का जो विषय है उसके तीनों विधेयक पारित हो चुके हैं और लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर 5 घंटे 42 मिनट चर्चा हुई है, जिसमें पक्ष पे बोले, विपक्ष पे बोले, सभी दल बोले, और कोशिश हमारी रहती है कि सभी दल सहमति से विधेयक पारित हो। इसमें माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट किया था, लेकिन अपनी बात सदन के माध्यम से उन्होंने रखी थी। सर, इंडिविजुअल इनकम टैक्स, अब ये विषय तो